हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से एक वेयर हाउस की डिज़ाइन करते हैं। मींस हमने कंक्रीट के काफ़ी वीडियोस ईटेस पे दिए थे। काफ़ी लोग ढेर सारे दिनों से लाइक क्वेरी थी उनकी कि सर, अगर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे स्टैट प्रो के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से स्टैट प्रो के अंदर स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, एवरी वन नो स्पेस एंड देन मीटर किलोन्यूटन एंड योर फाइल नेम and after this next yes and here add beam and finish। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले तो आप वेयर हाउस बना लो, ठीक है। मैं वेयर हाउस में बिंड नहीं लगा रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ नॉर्मल बिंड हाउस दिखा रहा हूँ। आप उसमें बिंड लगा सकते हो, कैसे लगाओगे उसके लिए मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। नाउ विल स्टार्ट। सपोज माई वेयर हाउस साइज इज 4 मीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 6 मीटर, ऐसे हमने दो दो मीटर ऐसे करके हाफ 5 मीटर पर ऐसे कर दिया एंड देन लाइक दिस एंड दिस, करेक्ट। आफ्टर दिस क्लोज कॉलम, राफ्टर, राफ्टर एंड कॉलम सेलेक्ट। अब मुझे इसमें पर्लिंस जोड़नी है। क्या जोड़ना है? पर्लिंस। सो फॉर पर्लिन यू कैन जस्ट गो टू, देर इज अ इंसर्ट नोट, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट नोट एंड इंटर योर हाउ मेनी नोट्स यू वॉन्ट। तो दोस्तों ये है ना 5 मीटर का, तो हमने इसमें हम कहा एक एक मीटर पे एक नोट लगा देते हैं, तो हमने 5 दे के हमने ऐड कर दिया एंड क्लिक ओके, डन। नाउ सेलेक्ट अगेन इंसर्ट नोट, अदरवाइज यू कैन क्लिक हेयर, राइट क्लिक इंसर्ट नोट 5 एड एन पॉइंट एंड देन क्लिक ओके, डन। After this, just select all and translation repeat. Translation repeat. आप बताइएगा मुझे आपको और ज़्यादा स्टैट प्रो की वीडियोस चाहिए क्या, क्योंकि हमने काफ़ी कवर कर रखा है। लेकिन अगर आपको और लगे तो बताइए, मैं और भी वीडियोस तैयार कर सकता हूँ, उसके लिए कमेंट करिएगा। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग्स, तो हमने सपोज स्पेसिंग ले लिया इनके बीच में 4 4 मीटर का, और नंबर ऑफ स्टेप्स हमने ले लिया मान लीजिए 6, ओके। और हमने इसमें कर दिया लिंक स्टेप एंड ओपन वेस, क्लिक ओके। सो योर वेयर हाउस इज लुकिंग लाइक दिस, राइट। अब यहां से लीजिए एड बीम, नाउ क्लिक योर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड। हमेशा जब ये से बोलते हैं ब्रेस कॉलम, ब्रेस कॉलम हमेशा अल्टरनेट लगाना चाहिए बिकॉज ऑफ विंड, ओके। सपोज अब एक पे लगाया, इसको छोड़ दीजिए एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर देन फ्रॉम हियर टू हियर। अब मुझे उस साइड लगाना है, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमा दीजिए एंड जस्ट क्लिक हियर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। बेसिक आपको आता है तभी समझ आएगा, बेसिक नहीं आता तो प्लीज़ पहले लास्ट 10 वीडियोस देख लीजिए फिर आइए इधर। क्लिक हियर फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, डन। तो हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अगर आप इसको 3D में देखना चाहेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। नाउ नेक्स्ट इज जनरल, एंड इन जनरल नॉट अ डिफाइन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस, सेक्शन डाटाबेस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या यूज कर रहे हो आप, आई सेक्शन यूज कर रहे हो या क्या बोलते हैं डब्ल्यू सेक्शन, एस सेक्शन। आज में बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें पाइप से डिजाइन करने वाला हूँ, तो देखते हैं उसमें फेल कितने होते हैं, फेल होते हैं तो कैसे पास करेंगे उनको। तो ये देखिए अमेरिकन कोड के कुछ सेफ्स हैं, अलग अलग सेफ हैं ऑस्ट्रेलियन। आइए हम डायरेक्ट इंडियन पर चलते हैं। सब इंडियन, एस सेफ, आई सेफ, एम सेफ, डब्ल्यू सेफ, टी सेफ, चैनल, एंगल, ट्यूब, पाइप। आज मैं पाइप से डिजाइन करने वाला हूँ। अगर आप जिंदल कंपनी में काम करते हो, जिंदल का कोड ऑलरेडी यहाँ पे अलग से दिया हुआ है और टाटा का भी कोड अलग से दिया हुआ है। तो सपोज हमने सबसे पहले कॉलम के लिए डिजाइन किया, तो कॉलम हमने साइज ले लिया, फिर हमने ले लिया राफ्टर और हमने ले लिया ब्रेस कॉलम, पहले 3 ले लिए। अब क्या बचा, अब बचा है पर्लिन, तो पर्लिन थोड़ा सा हल्का लेते हैं, ले लिया पर्लिन और क्लिक कर दिया ऐड। सबसे पहले पहला वाला है आपका ये क्या कॉलम है, सो जस्ट गो टू सेलेक्ट बीम्स पैलर टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट इज दिस इज फॉर
दिस इज फॉर राफ्टर, या तो राफ्टर के लिए आप चाहो तो ऐसे टॉप व्यू में चले जाओ तो बेटर रहेगा, सॉरी फ्रंट व्यू में। अरे कहाँ गया फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू में चले जाइए और इसके बाद सेलेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छे सेलेक्ट करिएगा जैसे पलिन ना सेलेक्ट हो। नाउ लाइक दिस एंड देन इज दिस, और इसके बाद ब्रेस कॉलम्स, इसके लिए कोई भी फ्रंट व्यू ले लीजिए, ये लिया हमने। एंड अब बचा क्या आपका, अब बचा है आपका पर्लिन। सो पर्लिन के लिए यहाँ पे जाइए, अब इसको सेलेक्ट करने में बहुत टाइम जाएगा तो इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए यहाँ पे सेलेक्ट मिसिंग एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे जाके कर दीजिए मिसिंग प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे जैसे ऐसा करेंगे एरियस, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिफाइन हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर आपका वेयरहाउस स्ट्रक्चर आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सपोर्ट, सो फॉर सपोर्ट जस्ट गो टू सपोर्ट क्रिएट एड। एंड अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, आप चाहे तो इसमें ट्रसेस भी जोड़ सकते हैं, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रस लीजिए और उसको क्वीन ट्रस या किंग ट्रस आप स्ट्रक्चर दे के ट्रांसलेशन रिपीट कर सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं किया है। ठीक है, आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड वेयर हाउस चाहिए तो बोल दीजिएगा मुझे, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वेयर हाउस भी करके दिखाऊंगा। ये मेरा अभी एक पार्किंग का प्रोजेक्ट था तो उसका मैंने जब थोड़ा सा सेप उठाया है तो वो एकदम ऐसे नहीं था, उसका ये चीज़ 3 मीटर था तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। लोड एंड डिफिनीशन, लोड केस डिटेल एड डेड लोड, ओके। और इसके बाद अब देखिए इसमें लाइव लोड नहीं आएगा, क्यों लाइव लोड नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, मीन्स कोई इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, कोई ह्यूमन बॉडी तो इसके ऊपर जाएगा नहीं, तो लाइव लोड कंसीडर करने की जरूरत नहीं। सीट जो है उसको डेड लोड में ही कंसीडर कर लेंगे क्योंकि सीट का लोड तो इसी पर आएगा ना, तो डायरेक्ट गो टू डेड लोड एड सेल वेट -1.15 ऑलवेज, कंक्रीट के लिए 1.5 मतलब यहाँ पर स्टैट प्रो में -1.5 और स्टील के लिए -1.15 एड। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, आपको मिलेगा मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सीट का यूनिफॉर्म फोर्स कितना आएगा, पहले सीट का लोड डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेट करिए। लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इंटू थिकनेस, डेंसिटी इंटू थिकनेस, तो डेंसिटी इंटू थिकनेस से जितना भी लोड आया है उसके बाद उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको -1 किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपका स्पैन बहुत बड़ा है, तो हमने जैसे एज्यूम किया यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 1 किलो न्यूटन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इनफ है ना सेल वेट, हमारे पास अभी वेट नहीं है स्टील का तो इसलिए हमने नहीं लगाया यूनिफॉर्म। एंड देन आप चाहिए, और वेट भी एक्चुअली क्या डिपेंड करता है ना कि आपके साइट पे आप कौन सा वेट यूज़ करने जा रहे हो, इन सीमेंट का है, प्लास्टिक का भी सीट होता है, तो इसलिए अच्छा है कि आपको वेट मिलेगा जो आपको उसी वेट के अकॉर्डिंग डिजाइन करिए। देखिए आपका लग गया लोड, ओके। नाउ आफ्टर दिस एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल एट क्लोज, नाउ द नेक्स्ट इज एनालाइज रन एनालिसिस सेव। डन, देखिए इसमें 0 एरर, 0 वार्निंग और 0 नोट है, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, चलिए इसको डिजाइन करके देखते हैं क्या ये स्ट्रक्चर पास है या फेल है। डिजाइन स्टील IS 800 सिलेक्ट पैरामीटर, यहां से आपको लेना है या तो रिपीट जॉइंट हो गया या बोल्ट जॉइंट, तो हमने बोल्ट जॉइंट लिया इसको और ऐड कर दिया। उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील ले लिया हमने और इसको ऐड कर दिया। इसके बाद सेलेक्ट पैरामीटर, देखिए हमारे जो बोल्ट होता है उसका वेयरिंग स्ट्रेस 30,000 होता है तो ये ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, और इसके बाद ये लिया हमने, ये भी 250
000 है, तो ये भी हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और क्लोज कर दिया हमने। इसके बाद कमांड्स पे आइएगा, यहाँ पे कोड को चेक करिएगा। इसके बाद मेंबर टेक ऑफ, अगर ग्रुप किया है आपने तो ग्रुप को भी कर दीजिए, बट छोटे साइट पे ग्रुप नहीं करते हैं। ग्रुप मतलब एक स्ट्रक्चर को अलग कर दिया, दूसरे स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। फिर मेंबर टेक ऑफ इसको ऐड कर दीजिए। सेलेक्ट मीन्स जो बचे हैं उन पे लगा दीजिए वेट, और उनको यहाँ पे अपने साइकिल में जोड़ दीजिए। मीन्स हमको जो कलेक्शन है उसको टोटल टेक ऑफ लेना है ना, टेक ऑफ मीन्स ओवरऑल रिजल्ट। चलिए सबको लगा देते हैं। ये लिया असाइन टू व्यू, असाइन यस, ये लिया असाइन टू व्यू, असाइन यस। इस तरह से लिया और इसके बाद सेलेक्ट करके इसको भी सब पे लगा दिया और टेक ऑफ। अब चलिए देखते हैं कितने मेंबर फेल हैं और कितने मेंबर पास हैं। अगर फेल होंगे तो पास करेंगे और पास हैं तो वेल एंड गुड। थोड़ा सा ये वेट लेता है, जितना बड़ा स्टार प्रो का मॉडल रहेगा उतना बड़ा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा यार, क्योंकि आप लोग, मैंने जो देखा यार, मैं जब बहुत ज़्यादा एजुकेशन की वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों का उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने अभी ऑटोकैड के टॉप 10 कमांड्स बताए थे, उसको बहुत कम लोगों ने ही देखा, और जबकि उसमें इतनी इंपॉर्टेंट कमांड हमने बताई थी। तो फिर यार लगता है कि शायद आपको एजुकेशन वीडियो में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वार्निंग आगे मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा मेंबर फेल है। चलिए देखते हैं, व्यू आउटपुट फाइल डन, स्टील डिजाइन, और यहाँ पे देखिए स्पेस का वार्निंग, स्टेट स्पेस, मतलब कि पास पास दो मेंबर पड़ रहे हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेंबर फेल नहीं होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। पास पास पास, ये देखिए पास है मेंबर, ये भी पास है, ये भी पास है, सारे पास हैं। डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई फेल है तो फिर से जाना पड़ेगा, इसको कैंसिल करके डिफाइन पे जाके फिर से पास करके, मतलब मेंबर चेंज करके हम लोग यहाँ पाएंगे तो उनको पास मिलेगा। वैसे हमारा तो सारा लग रहा है पास है, देखते आइए यहाँ पे आपको पास मिलता जाएगा। ओके करेक्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज पास। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको नीचे जाता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि पास है सारे मेंबर। देखिए आपका जो पाइप है उसका जो लेंथ है इतना है, ठीक है, और इसका ये जो कॉलम वाला था और इसका वेट आएगा 27 किलो न्यूटन, इसका लेंथ इतना है, इसका वेट इतना आएगा, पर लिन का इतना है और इसका वेट इतना आएगा, और ये इतना है इतना आएगा, मतलब टोटल 122.8 किलो न्यूटन में आपका प्रॉपर वेयर हाउस डिजाइन हो रहा है। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होता है, मीन्स प्रॉफिट क्या है आपको स्टैट में स्टील का डिजाइन करने से। एक मेंबर को कितना मेंबर, कितने मीटर का है, 4 मीटर का, उसका वेट कितना ही है। दूसरा मेंबर 900 mm, इसका वेयर हाउस है, मीन्स एग्जैक्ट साइज बताता है कितने साइज पे आपको काट के स्टील को रखना है और कितना उसका वेट आएगा केक का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसकी डिटेलिंग जो है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर फैबुलस होती है यार, बहुत अच्छी डिटेलिंग होती है। मुझे तो सबसे अच्छी डिटेलिंग इसी की लगती है स्टील के लिए, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे पास है, वो भी दिखा रहे हैं आपको नीचे। चलिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कि आपको पता करना है ये कॉलम पास है कि नहीं, डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे स्टील डिजाइन, देखिए आप क्या लिखा हुआ है पास। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से देख सकते हो आप, लेंथ कितना है, बीम नंबर कौन सा है, ये डिफ्लेक्शन इसका कैसा आएगा, ठीक है, सीयर बेंडिंग 21:21 सही है। इसके बाद लोडिंग कितना का लगाया था, डेड लोड लगाया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, मटेरियल में कितना थिकनेस है, और इसकी ज्योमेट्री देख सकते हो, मीन्स पूरी डिटेलिंग देख सकते हो डबल क्लिक करके भी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से स्टील डिजाइन में वेयर हाउस के डिजाइन करेंगे। क्या आपको स्टील के और मॉडल चाहिए, प्लीज़ नीचे कमेंट करो यार, और कमेंट करने के साथ इस वीडियो को फैलाओ यार, तब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टील के और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर लेके आऊँगा आप तक और आप को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा स्टैट प्रो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद जय भारत।